हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी जॉन और स्टडी इन हेल में, जो कि आपके लिए लाए हैं हम एक 10th क्लास का सैंपल पेपर। मैथ्स का पेपर है, बेसिक का, आप अच्छे से करके जाइएगा। ये पेपर 2019-20 का है। जल्दी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में एचसीएफ 168 और 126 का एचसीएफ क्या हो सकता है, ये आपको देख कर बताना, मतलब निकाल के बताना है कि एचसीएफ 168 और 126 का। अब जल्दी से एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर ऑफ क्रिटिकल टेंडेंसी इज टू, कौन सा आंसर आएगा इसमें, टू मीन इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस मोड, या फिर टू मोड इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस मीन, है ना। तो इसको अच्छे से देख के बताना आपको कौन सा आएगा, थ्री मीडियन इक्वल टू टू मीन मोड, है ना। तो राइट आंसर आपको टिक करना है, ये मीन मोड और उसमें रिलेशनशिप है। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है भाई, अच्छे से करके जाना मेरे दोस्तों। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो जल्दी से, थर्ड वाला क्वेश्चन ये वाला अच्छे से करके जाना, फोर्थ वाला करके जाना, फिफ्थ वाला देख लो, सिक्स वाला देख लो। इन सब के आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी प्रोवाइड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मेरा जरूर देखिएगा, तो इन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे। सॉल्यूशन सिक्स वाले का भी कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, सेवन वाले का जल्दी देखो। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं बता दूँ, ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना, रूट टू प्लस थ्री रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करके बताओ। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। तो जल्दी से एट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, एट वाला क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आज आ जाएगा। ये नाइन वाला क्वेश्चन है, डिस्टेंस पॉइंट है थ्री और माइनस फोर फ्रॉम द ओरिजिन इज, अब बताना है आपको इसमें क्या करना है, जल्दी से आपको सोल्व करना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। मिड पॉइंट का एक क्वेश्चन है टेंथ वाला, इसके बाद फ्लिंग द ब्लैंक्स देखना, फ्लिंग द ब्लैंक कैसे आ सकते हैं, तो ऐसे इलेवंथ का आ सकता है, ट्वेल्थ है, ठीक है, एग्जाम ओवर में ऐसा आ सकता है वन नंबर में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन थर्टी सिक्सटी और साइन थर्टी, साइन थर्टी और कोस सिक्सटी, ये 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन दे दिए इन्होंने। तो ये थिग्नोमेट्री का वैसे पता है हमें कि एक ना एक क्वेश्चन आएगा, तो ये आएगा और मैचअप में भी क्वेश्चन आएगा। ये देखो थिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इनको सोल्व करना है आपको। ये देखिए जल्दी से, 15 क्वेश्चन भी ईजी है। अब 16 से 20 का आंसर द फॉलोइंग, इसको आपको 1-1 मार्क्स के आंसर देने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 8.1 का क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, ठीक है, थिग्नोमेट्री का। तो थिग्नोमेट्री से वैसे ही पता आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने हैं, तो ये आया था यार, जल्दी से पेपर सोल्व कर लेना, स्क्रीन शॉट लेते जाओ जल्दी से, तो इसका मैं नेक्स्ट पेपर में सोल्यूशन दे दूँ। जल्दी से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते जाओ जल्दी से। अब 20 से यहाँ से आप जल्दी देखो, 20 से तो 26 जल्दी देख लो पेपर, कितना इजी पेपर है, 1-1 मार्क्स, 2-2 मार्क्स क्वेश्चन पेपर है, जल्दी से कर लो नेक्स्ट। अब हम चेंज कर रहे हैं जल्दी से, आपने कॉपी पेस्ट स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ मेरे बंधुओं प्यारे दोस्तों, जल्दी से नेक्स्ट देखना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला है 26 है, ठीक है, जल्दी से कर लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, और कर देना। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, अब से देखना है यहाँ से 26 है, 27 से सेक्शन सी का, जो कि मोस्ट आईएमपी है, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो, ले लिया होगा। ये 29 वाला क्वेश्चन कर जाना और 28 भी कर जाना, आने ही वाले हैं। और इधर देखो 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन तो ऐसे कर जाना, रट जाना बिल्कुल, 30 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इधर देखो प्रूव डेट वाले 31 में, ये देखो 31, ये 3 मार्क्स का नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से कर लेना 31, 32, 33, ठीक है। ऐसा कैसे सेम क्वेश्चन पेपर आ रहा है, क्योंकि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 31 से 33 स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहो। अब 34 से जल्दी से ले लो, 34 से 39 का क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, स्क्रीनशॉट लेते जाओ तुरंत, आपसे बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट एंड प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम है ना, तो जल्दी से कर लो। इसके बाद ये देखो 40, जल्दी से कर लो, अच्छे से करके आना। जय हिंद, जय भारत। अभी सॉल्यूशन नेक्स्ट उसमें दे रहा हूँ, तो इसलिए बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं दोस्तों, सबका भला करना है। जय हिंद।